हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा इवेंट के दिन किस तरह से ट्रेड किया जाए। दोस्तों, काफी बार हम देखते हैं कि कोई बड़ा आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आने वाला हो, कोई बड़ी ग्लोबल इवेंट हो उसका कुछ मीटिंग का आउटकम आने वाला हो, या फिर जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट है, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कुछ भी एक आउटकम आता है, तो उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा दिखता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो स्पेशली और आप इवेंट के दिन ही ट्रेड करना चाहते हो तो आप किस हिसाब से कर सकते हो? अगर ये क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, इवेंट के दिन किस हिसाब से ट्रेड किया। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, अगर आपको इवेंट के दिन इंट्राडे ट्रेड करना है और अगर आप रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर भी हो, तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक प्लान चाहिए, ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम्स होने चाहिए। सिस्टम में कुछ भी नहीं होता, सिंपली एक एंट्री एंड एग्जिट के रूल्स होते हैं जो कि हमको डिफाइन करते हैं लेवल्स के थ्रू। अगर आपको कोई लेवल्स पे बाय दिखा रहा है तो वहाँ पे बाय एग्जीक्यूट कीजिए, अगर वहाँ पे उसके सिस्टम के हिसाब से आपको एग्जिट दिखा रहा है तो वहाँ पे आप सेल कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं सिस्टम, जहाँ पे आप इजीली ट्रेड कर पाते हो, जहाँ पे आपको व्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर सिस्टम आपको बाय दिखा रहा है तो आपको खरीदना चाहिए, और जहाँ पे एग्जिट दिखा रहा है वहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए, सिस्टम इसको बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा, आप स्टॉक का एक लिस्ट बनाइए, बास्केट बना के रखिए, लिमिटेड स्टॉक रखिए, 10 से 15 स्टॉक रख सकते हो आप, मैक्सिमम आप 15 से 20। तो उसके थ्रू क्या होगा कि आप लिमिटेड दायरे में ट्रेड करोगे, आपका जो ट्रेडिंग वर्ल्ड है, जो स्टॉक्स है, वो लिमिटेड हो जाएगा। और अगर सिस्टम रहेगी तो आप इसी 15 स्टॉक्स के अंदर या 20 स्टॉक्स के अंदर स्कैन करते हुए आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको ट्रेड में मिल जाएगा। और सिस्टम यूज कर रहे हो तो एंट्री एंड एग्जिट आपके फिक्स है, आपके स्टॉक्स भी आपने फिक्स करके रखे, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और आप कॉन्सेंट्रेटेडली अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डेली ट्रेड फिक्स रखिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रेड्स की। अगर आप दिन में इंट्राडे ट्रेडर हो, दिन में 2 या 3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, मोर देन इनफ है। फिर अगर रेगुलरली 5, 6, 7 या फिर 10 ट्रेड इंट्राडे में कर रहे हो तो उसको हम ओवर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टम से, आपके पास लिमिटेड स्टॉक से, तो आपके ट्रेड्स भी लिमिटेड हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ट्रेड्स आते रहेंगे सिस्टम के थ्रू, एक या दो या फिर मैक्सिमम 3 ट्रेड कीजिए आप एक ही दिन के अंदर। तो ये रहेगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट रहेगा वो रहेगा नंबर जो ट्रेड्स के फिक्स किए, उसके बाद रहेगा चौथा पॉइंट, आप दिन का प्रॉफिट और लॉस अमाउंट भी फिक्स रखें। ये डिपेंड करता है आप ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज वाइज रखना चाहते हो या फिर रैंडमली कोई आप अमाउंट रख रहे हो, तो बट वो फिक्स कीजिए। अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे हो तो भी स्टॉप कर दीजिए दिन के अंदर, अगर आप एक्स अमाउंट का नुकसान भी कर रहे हो तो भी उसी दिन आप कंप्लीट कर दीजिए ट्रेड अपना। तो क्या होगा कि आप अपना दायरा लिमिटेड करते जा रहे हो हर एंगल से, क्योंकि आपके पास सिस्टम है, आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स है, एंट्री एग्जिट फिक्स है, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर डे का फिक्स है आपका। तो क्या होगा कि शुरू में कभी आप मॉर्निंग में आपने नुकसान कर दिया और आपने अपना जो एक्स अमाउंट सोचा है वो उतना नुकसान आपको हो गया, तो उस दिन आप क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट डे के लिए आप ट्रेड कीजिए, उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि आप अगर रिवेंज करने जाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग में ही वो सारा पैसा नुकसान होता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। काफी बार हम सोचते हैं कि हम इसको लॉस को कवर कर देंगे और फिर और अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे हमारे पास सिस्टम से, तो फिर हम दूसरे स्टॉक्स देखने जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले ही एक पॉइंट डिस्कस किया कि नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आप फिक्स रखिए, उसके बाहर मत जाइए, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट रहेगा, बहुत ही सिंपल है, पांचवा पॉइंट रहेगा ट्रेडिंग जर्नल लिखिए आप। जो भी आप ट्रेड आज के दिन में एग्जीक्यूट करते हो उसका एंट्री एग्जिट, उसका रीजन क्या है, एंट्री का प्राइस क्या है, एग्जिट का प्राइस क्या है, आपने एग्जिट मॉनिटरी किया या फिर आपने सिस्टम के थ्रू एग्जिट किया, आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, आपने कोई भी रूल ब्रेक किया है कि आपका सिस्टम का, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए। ये आपको बाद में काम आएगी, जब आप 10-15 ट्रेड आप कर लोगे या फिर महीने का जर्नल आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपका वीकनेस कहाँ पे, आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे। और उसके बाद का एक पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिंपली आप फॉलो द ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि प्लान बनाना इजी है, हर कोई बनाता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी काफी बार इसमें डिफॉल्ट हुआ हूँ मेरे करियर में। मैंने प्लान्स तो बनाता था बट उसको हाफ एग्जीक्यूट कर पाता था या प्रॉपरली नहीं कर पाता था।
एंट्री तो सिस्टम से की बट एग्जिट रैंडमली कर लेते थे, स्टॉप लॉस में कभी कभी हम देर से रखते थे या फिर, तो ये सब चीजें ऊपर नीचे होती है। इसीलिए फॉलो द ट्रेडिंग प्लान, आप कुछ भी करके 100% ट्रेडिंग प्लान फॉलो करने का, आप धीरे धीरे डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, 50% आप सही डेवलप आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हो तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो आउटकम आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ट्रेडिंग प्लान फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा और वो धीरे धीरे होगा। पहले जैसे कि प्लान हमने पूरा बना लिया है तो आप 50% एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, उसके बाद आप 70% तक करिए, वैसे वैसे परसेंटेज वाइज आप बढ़ते जाइए और 100% ट्रेडिंग प्लान आप अपना एग्जीक्यूट कीजिए। इन सबके बाद आखिरी में जब 3:30 को इंडियन मार्केट्स जब क्लोज होते हैं, उसके बाद आपने जो जर्नल करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप कोई भी अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए। इससे क्या होगा कि पूरे दिन में जो आप एंगेज हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से ही काम कर रहा होता है, तो वहां से आप ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो म्यूजिक इज द बेस्ट वे, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपका माइंड भी जो स्ट्रेस है वो भी धीरे से हल्का हो जाएगा और आप लाइटली रिफ्रेश फील करने लगोगे और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा इस हिसाब से। म्यूजिक इज ऑलवेज बेस्ट, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको, अगर आप इवेंट के दिन ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी बहुत ही काम के रहेंगे ये सारे पॉइंट्स। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो के अंदर मेरे डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ जो भी मैंने अभी तक बोला है वो, बिकॉज ये मैंने कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हुआ हूँ काफी चीजों में, काफी चीजें मैंने डेवलप की, एग्जीक्यूशन पे मैंने अच्छे से ध्यान दिया, तब जाके एक अच्छे से आउटकम्स आना शुरू हुए। तो मैं चाहता था कि ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो सोचा आज का ये वीडियो इवेंट डे के दिन किस तरह से ट्रेड किया जाए वो क्रिएट किया जाए। सो अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया है, आपको ये मेरे वीडियो के जो पॉइंट्स है वो पसंद आया है, तो हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड गुड लक फॉर द ट्रेडिंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।